अक्सर ही आपने सुना होगा कि लोग सोने, चांदी, नकदी या अन्य महंगी चीज़ों की चोरी की शिकायत करवाने पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के घुमारवी उपमंडल में एक किसान ने 1 किलो खीरा चोरी होने का मामला पुलिस के पास दर्ज करवाया है। यही नहीं, किसान पवन कुमार ने बकायदा पुलिस को एक सीसी फुटेज भी सौंपी है। इसमें नजर आ रहा है कि 2 युवक पवन के घर में दाखिल होकर खीरा चुरा लेते हैं। शिकायत में पवन ने कहा है कि 1 किलो खीरे की कीमत 30 रुपए थी। घुमारवी उपमंडल की भराड़ी पुलिस ने ये माना है कि खीरा चोरी होने की शिकायत मिली है। सीसी फुटेज को खंगाला जा रहा है। खैर, ये तो तय है कि पुलिस किसी भी कीमत पर खीरा तो बरामद नहीं कर सकती, अलबत्ता चोरी करने वालों का सुराग जरूर हासिल कर सकती है। मेरा नाम बिशन दास है जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं ऑर्गेनिक अपने पोली हाउस में काम करता हूँ और मैंने खीरे लगाए हुए हैं। कोई दवाई वगैरह का कोई मैं प्रयोग नहीं करता और मैं दुकान के आगे मतलब खीरे रखे हुए थे और मैं थोड़ा इधर उधर चला गया तो वो खीरे चोरी हो गए। तो उसके बारे में मैं साहब इसके बारे में कार्रवाई की जाए ताकि आगे के लिए कोई बड़ी घटना ना हो। आज ये मैंने जो आया ये पुलिस में शिकायत पत्र दिया है ताकि ये तो छोटी वारदात हुई है, कल को बड़ी भी हो सकती है, तो इस करके हमने इसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं और भविष्य में कहीं ऐसी बड़ी वारदात ना हो तो फिर इसका अंजाम जो है फिर निकलना पड़े। ठीक है, हर कोई इस बात को भी सोच रहा है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी या फिर किन धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। यदि पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर होगी तो इसमें चोरी की धारा के अलावा घर में घुसने की धाराओं को भी शामिल किया जा सकता है। ट्रेसपासिंग की एक धारा लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि पवन कुमार सब्जियों की खेती करने का काम करता है। घर के नज़दीक ही पॉली हाउस भी लगाए हैं। पॉली हाउस में खीरे रोपे गए हैं। पॉली हाउस से खीरा तोड़ने के बाद पवन ने इसे घर के आंगन में ही रखा था। कुल मिलाकर नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है। बिलासपुर से सुनील ठाकुर की रिपोर्ट।